पानीपत कल शाम पानीपत के बाबरपुर रेलवे स्टेशन व कौंड रेलवे स्टेशन के बीच शताब्दी ट्रेन पर पत्थर मारकर हमला करने वाले अज्ञात आरोपी के खिलाफ जीआरपी थाना पुलिस ने किया मामला दर्ज। 152 रेलवे एक्ट के तहत पुलिस ने किया मामला दर्ज। पानीपत जीआरपी पुलिस के साथ साथ पानीपत जिला पुलिस व करनाल पुलिस जुटी आरोपी की तलाश में। जिस समय ट्रेन पर हमला हुआ उस समय ट्रेन में मौजूद थे पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू। एडवोकेट जनरल अनमोल सिद्धू कल लॉरेंस बिश्नोई केस मामले में सुनवाई के बाद दिल्ली से लौट रहे थे चंडीगढ़। मंगलवार शाम पानीपत के बाबरपुर रेलवे स्टेशन व कौंड रेलवे स्टेशन के बीच शताब्दी ट्रेन पर पत्थर मारकर हमला करने वाले मामलों में जीआरपी थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जीआरपी पुलिस ने 152 रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। जीआरपी एसएचओ राजकुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच पानीपत जीआरपी पुलिस के साथ साथ पानीपत जिला पुलिस व करनाल पुलिस कर रही है और आरोपी की तलाश में जुटी है। आपको बता दें कि बीते कल जिस वक्त ट्रेन पर हमला हुआ उस समय ट्रेन में पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू मौजूद थे। एडवोकेट जनरल अनमोल सिद्धू कल लॉरेंस बिश्नोई केस मामले में सुनवाई के बाद दिल्ली से चंडीगढ़ लौट स्टेशन पर शताब्दी एक्सप्रेस पर किसी अज्ञात ने पत्थर मार दिया था। उस गाड़ी का शीशा क्रैक हो गया था। उस पर हमने मामला दर्ज करके तफ्तीश जारी। सर, कौन में ट्रेन में जहां पत्थर लगा कौन सवार था? सर, क्या सूचना मिली थी आपको? सूचना आरपीएफ द्वारा मिली थी, शताब्दी ट्रेन पर पत्थर मार दिया गया। उस सूचना पर आरपीएफ जीआरपी हम दोनों स्टाफ वहाँ पर पहुंचे। तो शिकायत क्या मिली सर? शिकायत तो यही है कि अज्ञात ने किसी ने पत्थर मारा है। उस पर हम कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश हम करें। शिकायत किसकी ओर से दर्ज करवाई गई सर? शिकायत एसआई अमित कुमार आरपीएफ द्वारा। सर, इसमें कौन बैठा था? एडवोकेट जनरल, पंजाब हाईकोर्ट के जनरल एडवोकेट बैठे थे। कोई ऐसा तो नहीं है कि रंजिशन हो या? नहीं नहीं, रंजिशन का मामला अगर किसी गिरफ्तारी आरोपी का पता लगेगा जब ही पता चल सकता है। तो ये शरारत मान सकते हैं बच्चों को? शरारत हो सकती है, बच्चे वहाँ पर घूमने वगैरह आते हैं, पता चलेगा। तो अभी तलाश की जा रही है सर? आरोपी की तलाश जारी है। आरोपी की तलाश के लिए जिला पुलिस पानीपत करनाल आरपीएफ इकट्ठे होकर तलाश कर रहे हैं।